हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। CSS ट्रिक्स की इस वीडियो में आप टैब्स बनाना सीखेंगे और वो भी प्योर CSS में। तो आइए पहले देखते हैं कि हम जो इस वीडियो में टैब बनाना सीखने वाले हैं वो एक्चुअल में दिखता कैसे है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने वो टैब ओपन किया है जो हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। यहाँ देखिए अलग अलग तीन टैब्स दिख रहे हैं आपको। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा टैब टू पे, तो देखिए वाला टैब ओपन हो गया, उसका कॉन्टेंट पूरा ओपन हो चुका है। और जैसे ही मैं टैब थ्री पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टैब थ्री का कंटेंट ओपन हो चुका है। ये देखिए, इस तरह के टैब जो है बेसिकली वेब डिजाइनर्स जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं या जेक्वेरी के प्लगइन्स लगा के, मगर हम इसे प्योर CSS में बनाने वाले हैं विदाउट एनी जावास्क्रिप्ट। बिल्कुल इसी तरीके के टैब्स हमने अपने फ्री टेम्पलेट्स के अंदर भी इंक्लूड किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, जब आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे फ्री टेम्पलेट्स में, तो आप किसी भी टेम्पलेट को अगर ओपन करेंगे, मैं इसका आपको एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, टैब ओपन होने के बाद यहाँ पे पेजेस के अंदर या शॉर्टकट के अंदर यहाँ पे आपको पेज मिलेगा एलिमेंट्स नाम से। ये देखिए, ये जितने भी फ्री टेम्पलेट्स हैं सबके अंदर एलिमेंट्स नाम का एक पेज है। जब आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा टैब। ये देखिए टैब कॉन्टेंट, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके का। तो जितने भी हमारे फ्री टेम्पलेट्स हैं सबके अंदर आपको टैब दिखेंगे एलिमेंट वाले पेज के अंदर, और ये सब में अलग अलग डिजाइन के होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक डिजाइन बनाना सीखेंगे टैब्स का। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं हम इस टैब्स को कैसे बना सकते हैं। यहां देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना लिया है css-tab.html। यहां पे आप देख रहे हैं उसके अंदर मैंने एक बेसिक सा एक सिंटेक्स भी बना लिया है। यहां पर मैंने एक एक्सटर्नल CSS की फाइल इंक्लूड की है, आप यहां पर देख सकते हैं tab.css। यहां देखिए ये फाइल भी मैंने बना रखी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम HTML का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, जो हम ये टैब बनाते हैं ये बेसिक ये UL LI टैग के अंदर बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं UL टैग ले लेता हूँ, मतलब कि अनऑर्डर लिस्ट टैग, और इस पे मैं क्लास लगा देता हूँ टैब रैप। ये देखिए, अब इसके अंदर मेरे को सबसे पहले एक LI टैग लेना है, और LI टैग के अंदर ही हम सारा काम अपना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लेबल ले लेता हूँ, और लेबल के अंदर मैं यहां पर लिख देता हूं टैब वन, जैसा कि अभी मैंने आपको डेमो में भी दिखाया था। और यहां पर मेरे को लेना है फॉर। फॉर लेबल की एक प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं हम इसे। और इसके अंदर मैं एक नेम ले लेता हूं, जैसे tab-1। आपको इसके बीच में कोई स्पेस नहीं देनी है। इस फॉर का यूज क्या है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और इससे पहले, मतलब कि यहां पर मैं एक इनपुट टैग ले लेता हूं। इनपुट लूंगा मैं रेडियो बटन के लिए। यहां पर टाइप के अंदर आकर मैं इसकी फील्ड डाल देता हूं रेडियो। रेडियो क्यों ले रहा हूं मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और यहां पर एक आईडी ले लेता हूं, ये आईडी आपको वही रखना है जो आपने यहां पर फॉर में यूज किया है। तो मैं इसी को कॉपी ले रहा हूं, यहां पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। और इसके बाद मैं यहां पर मल्टीपल ऐसे रेडियो बटन बनाने वाला हूं, और उसका नाम मैं सेम ही रखूंगा। तो यहां पर मैं नेम नाम की प्रॉपर्टी ले लेता हूं, और यहां पर मैं लिख लेता हूं टैब। और क्योंकि ये पहला टैब है तो यहां पर मैं लिखूंगा चेक्ड। चेक क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं ये फर्स्ट टाइम है, जैसे पेज रिफ्रेश होकर लोड हो तो ये चेक्ड ही हो। जो ये फर्स्ट रेडियो बटन है ये चेक्ड रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां चेक लिख दिया। अब क्या होगा, जैसे मैं इस लेबल पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये इनपुट बटन जो है वो चेक्ड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं मैंने यहां पर फॉर का जो यूज किया वो क्यों किया है। यहां देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल तैयार किया है। यहां पर एक जेंडर लिया हुआ है और है मेल और फीमेल, तो दोनों में से एक बारी में एक पे ही क्लिक हो सकता है। तभी मैंने यहाँ रेडियो बटन लिया, ये देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ या इस पे। अब ये जो मेल और फीमेल दिख रहे हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर लेबल टैग लिया है। अब मैं जब लेबल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली रेडियो बटन पे क्लिक हो रहा है। तो ये कैसे क्लिक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेबल के अंदर मैंने फॉर नाम की प्रॉपर्टी यूज की है। मैं आपको इसका कोड भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने एक पेज रेडी किया हुआ, ये वही वाला पेज है जेंडर वाला। ये देखिए, यहाँ पर मैंने दो बार देखिए रेडियो बटन के लिए इनपुट टैग लिया, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, और एक बार आईडी लिया मेल और एक बार लिया आईडी फीमेल। और यहाँ पर लेबल के अंदर भी देखिए मैंने लिखा हुआ मेल और एक बार फीमेल। तो जब मैं इस फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो ये चेक करता है इस फॉर के अंदर जो ये नेम लिखा हुआ फीमेल, इस नाम का कोई आईडी है क्या। जहाँ पर ये इसे आईडी मिलता है ये उसको चेक कर देता है। तो इस तरह ये लेबल वर्क करते हैं। अब इसी टेक्नोलॉजी को हम अपने टैब के अंदर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो मैंने ये टैब बनाया इसमें लिखा है, यहां पे आप देख रहे हैं टैब वन। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखेगा टैब वन कहां पे है, मतलब कि इस नाम का आईडी कहां पे है। तो इसे ये रेडियो बटन मिलेगा, इसको ये चेक कर देगा। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं, जब
विजिटर जो है वो स्टैप पे क्लिक करेगा तो इसका कंटेंट भी दिखाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ और उस पर क्लास लगा देता हूँ टैप कंटेंट, ये देखिए। और इसके अंदर मैं दो तीन डमी पैराग्राफ डाल देता हूँ, पहले एक हेडिंग डाल देता हूँ S2 में, यहाँ पर लिख देता हूँ टैब 1 ताकि आपको पता लग जाए। और इसके बाद मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और उसमें डमी पैराग्राफ डाल देता हूँ 100 वर्ड्स का, थोड़े कम ले लेता हूँ, या मैंने 60 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लिया, ये देखिए। अब इसी के बाद मैं एक पैराग्राफ और बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ये देखिए। अब इसके अंदर मैंने बेसिकली दो पैराग्राफ ऐड किए हैं। अब बिल्कुल इसी एल आई को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसी तरीके के मेरे को दो टैब्स और बनाने हैं। यहाँ पर एक गड़बड़ भी है, यहाँ पर एल आई के अंदर मैंने टैब 1 लिखा हुआ है, इसको मैं हटा लेता हूँ, और यहाँ से भी ये मेरा दूसरा टैब है। अब इसके अंदर यहाँ पर मेरे को जस्ट आईडी को चेंज करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ टैब 2, यहाँ पर भी टैब 2, और यहाँ पर आप जो कुछ भी दिखाना चाहते हैं लेबल के अंदर वो दिखा सकते हैं। अभी जस्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टैब 2, टैब स्पेस 2, और यहाँ पर हेडिंग भी चेंज कर देता हूँ टैब 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ में मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ी लाइन मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस लगे, ये देखिए। अब मैं इसी टैब को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसे, ये देखिए। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, लास्ट वाले टैब के अंदर यहाँ पर मेरे को लिखना है टैब 3, ये देखिए मैंने हर जगह टैब 3 लिख दिया। अब इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा देता हूँ, लास्ट वाले में एक पैराग्राफ और ऐड कर देता हूँ 10 वर्ड्स का, ये देखिए। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अभी मैं आपको ब्राउज़र के अंदर पहले चेक कराता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पर ये हमारे टैब्स आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। अब होगा क्या, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये चेक्ड हो गया, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये चेक्ड हो गया, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये चेक्ड हो गया। अब बेसिकली हमारे को ये रेडियो बटन दिखाने नहीं है, तो इसको तो हम एक तरीके से हाइड कर देंगे, हमें दिखेगा बेसिकली ये लेबल। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला जो कंटेंट है वो शो हो जाएगा, जब मैं टैब 2 पे क्लिक करूंगा तो ये वाला कंटेंट शो हो जाएगा। तो आइए आगे का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए अभी हमारे ये तीनों टैब्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं आता हूँ अपनी CSS वाली फाइल में। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना सिलेक्टर बना लेता हूँ बॉडी के लिए, जिसके अंदर पैडिंग और मार्जिन मैं 0 दे देता हूँ और एक फॉन्ट स्टाइल भी दे देता हूँ। मैंने पैडिंग और मार्जिन दे दिया। अब इसके बाद मैं फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, फॉन्ट फैमिली, और इसको दे देता हूँ एरियल, ये देखिए। अब इसके बाद सबसे पहले मेरे को जो अपना काम शुरू करना है वो शुरू करना है टैब रैप पे, जो सबसे मेन यूएल है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं इसको एक विड्थ दे देता हूँ, विड्थ देनी जरूरी नहीं है मगर अभी मैं दे रहा हूँ इसे विड्थ, और वो भी मैं दे रहा हूँ परसेंट में, तो यहाँ मैं ले रहा हूँ 60%, ये देखिए। अब इसके बाद मैं जो आपको दिख रही थी वहाँ पर डॉट्स आ रही है अनऑर्डर लिस्ट की, उसको मैं नन कर देता हूँ लिस्ट स्टाइल से, और जो भी मेरा यूएल आ रहा है आपने देखा उसको मैं पैडिंग उसकी 0 कर देता हूँ, और उसकी जो पोजीशन है उसको मैं रिलेटिव कर देता हूँ, ये देखिए। रिलेटिव मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो अंदर रेडियो बटन्स आ रहे हैं उनको मैं एब्सोल्यूट करने वाला हूँ। रिलेटिव के अंदर एब्सोल्यूट कैसे काम करते हैं मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं पता तो मैं ऊपर आई बटन पर उसका एक लिंक दे दूंगा जहां से जाके आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव कैसे काम करती हैं। अब इसके बाद मेरे को जो काम करना है वो करना है अपने रेडियो बटन के लिए। तो देखिए अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो हम अपने रेडियो बटन है उसको हाइड कर देंगे, तो बेसिकली हम उसको हाइड नहीं करने वाले, हम उसकी थोड़ी पोजीशनिंग को चेंज कर देंगे। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टैब रैप के अंदर जो भी इनपुट आ रहे हैं, और यहाँ पर मैं उसकी ले लेता हूँ टाइप जिसकी है रेडियो, ये देखिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ, और इसके बाद उसका टॉप और लेफ्ट जो है वो मैं माइनस में दे देता हूँ, देखिए मैंने इतना ज़्यादा दे दिया ताकि वो दिखेगा ही नहीं। अब इसके बाद मैं लेफ्ट भी बिल्कुल ऐसे ही दे देता हूँ 9999 पिक्सल, दोनों को मैंने इतना ही दिया। अब इसे होगा क्या, वो बेसिकली दिखेंगे नहीं, मैं अभी आपको ब्राउज़र में चेक भी करा देता हूँ, ये देखिए। यहाँ पर अभी हमारे पास जो टैब्स के साथ में यहाँ पर लेबल आ रहा है, इससे पहले हमारे पास यहाँ पर रेडियो बटन आ रहे थे, अब वो दिख ही नहीं रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों जगह दिख नहीं रहे हैं। अब सबसे पहले मुझे करना क्या है, मैं जितने भी तीनों एल आई हैं टैब 1, टैब 2 और टैब 3, इन तीनों को फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एल आई ले लेता हूँ, एल आई के अंदर आकर मैं इसको फ्लोट लेफ्ट दे देता हूँ, ये देखिए। और इसको मैं बना देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक ताकि ये बिल्कुल डिव की तरह काम करने लगे, ये देखिए। क्या मैंने फाइल को सेव किया, और यहाँ पर जो हमारा टैब रैप है इस पर भी मैं अभी थोड़ी देर के लिए बॉर्डर लगा लेता हूँ, बाद में मैं इसे हटा लूँगा।
अभी मैं ब्लैक कलर का एक बॉर्डर लगा रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर आ रहा है जो ऊपर ही दिख रहा है अभी आपको, और जौन सा भी ये बॉडी का बैकग्राउंड आ रहा है इसका कलर अभी वाइट दिख रहा है आपको, इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाके बैकग्राउंड लेता हूँ। अभी मैं इसके लिए कलर के लिए एक वेबसाइट ओपन करूँगा, फ्लैट यूआई कलर्स। ये देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी फ्लैट यूआई कलर्स, इसी को आपको ओपन करना है। आप बेसिकली कहीं और से भी कलर ले सकते हैं, मैं यहीं से पिक कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्वेचेज आ जाएंगे आपके सामने, मैं इसमें से फर्स्ट वन को क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मेरे को कोई एक बैकग्राउंड कलर चूज़ करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी मैं ये ग्रे वाला ले रहा हूँ सबसे नीचे, मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर बॉडी में इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने कलर सेट हो चुका है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, जो ये लेबल्स आ रहे हैं आपको सबसे ऊपर दिख रहे हैं, लेबल 2 टैब 3, इसका मेरे को कलर चेंज करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसका सिलेक्टर बना लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर कहा कि टैब रैप के अंदर जो भी लेबल आ रहा है उसका मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पर कोई कलर ले लेता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ से ऑरेंज पिक कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये कलर सेट हो चुका है। मैंने जो ये लेबल लिया है इसको मैं इनलाइन ब्लॉक बना देता हूँ ताकि ये जो है तीनों टैब जो हैं एक ही लाइन में दिखें। इसके बाद मैं इसमें पैडिंग लगा लेता हूँ थोड़ी सी। ये देखिए यहाँ पर मैं पैडिंग जो ले रहा हूँ वो भी ले रहा हूँ ऊपर और नीचे से, जैसे 10 पिक्सल लेफ्ट और राइट से 15 पिक्सल। और इसके बाद इसमें मैं मार्जिन भी दूंगा, अभी नहीं लेता बाद में ले लूंगा। अभी मैं इसको कर्जर देता हूँ पॉइंटर। पॉइंटर क्यों, देखिए अगर मैं इस पर अभी माउस लेके जा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं लग रहा ये क्लिकेबल है। तो उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर कर्जर चेंज करूँगा और उसकी वैल्यू ले लेता हूँ पॉइंटर। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए अब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिक हो रहा है। मैंने एक्चुअल में कुछ गड़बड़ भी की हुई है, मैं आपको दिखता हूँ। यहाँ मैंने क्या किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जितने भी मैंने ये टैब्स डाले हैं सबके अंदर मैंने यहाँ पर चेक लिख दिया। ये देखिए टैब 2 में भी, टैब 3 में भी। मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ, सिर्फ मेरे को फर्स्ट वन पे क्लिक रखना है, सिर्फ इस वाले पे। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मैं जितने भी ये टैब कॉन्टेंट्स आ रहे हैं आपको दिख रहे हैं, ये नीचे आपको दिख रहे हैं जो भी कॉन्टेंट लिखा हो, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। इसको मैं शो कब करूँगा, जब मैं इस टैब पे क्लिक करूँगा। तो देखिए उसके लिए भी मैं CSS बना लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लास लिया टैब कंटेंट, उसी की मैं यहाँ पे CSS कर रहा हूँ। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ और बैकग्राउंड कर देता हूँ वाइट। तो उसके लिए होते हैं FFF हेक्साडेसिमल कोड। ये देखिए यहाँ पर वाइट भी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले पैडिंग लगा लेता हूँ, पैडिंग में देता हूँ जैसे 20 पिक्सल की। ये देखिए पैडिंग भी आ चुकी है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस मेरे को कैसे देना है, देखिए यहाँ से मैं इस वाले कॉर्नर से कोई बॉर्डर रेडियस नहीं दूंगा, इधर से दूंगा, इधर से दूंगा, बॉटम राइट से और यहाँ से बॉटम लेफ्ट से भी। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं 0 ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो हमारे पास लेफ्ट टॉप बॉर्डर है इसको 0 ही रखना है। उसके बाद मेरे को सबको इक्वल रखना है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3 पिक्सल 3 पिक्सल 3 पिक्सल। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए बाकी जगह से 3 पिक्सल हो चुका है मगर यहाँ से नहीं हुआ। अब उसके बाद मेरे को यहाँ पर पोजीशन यूज़ करनी है, पोजीशन एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट लगाने के बाद मैं इसको टॉप और लेफ्ट भी दे देता हूँ। अभी मैं सिर्फ लेफ्ट दे रहा हूँ 0। अभी मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए सब एक के पीछे एक आ चुके हैं, मगर यहाँ से मैं इसको टॉप भी दे देता हूँ। अभी अभी मैं कुछ भी ले रहा हूँ ऐसे, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ से 50 पिक्सल, हो सकता है मेरे को बाद में चेंज भी करना पड़े। ये देखिए, ये देखिए हमारा पूरा बन चुका है। अब ये जो हमारा टैब है ये बिल्कुल फुल विड्थ का आ रहा है, मैं इसको थोड़ी विड्थ दे देता हूँ। मैंने ऑलरेडी विड्थ लगाई हुई है, लग नहीं रही है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। टैब रैप विड्थ से पहले मैं यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, देखिए यहाँ पर मैंने टैब पे लेबल्स पे मतलब कि पैडिंग लगाई थी, यहाँ पर मैंने एक्चुअल में पोजीशन लिखा हुआ, पैडिंग लिखना था। ये देखिए पैडिंग जो अब ठीक से काम कर रही है। अब इसके बाद मुझे विड्थ पे काम करना है,
तो यहाँ पर अभी मैं जो ये हमने बनाया है टैब कंटेंट, इसी को वेट दे देता हूँ 100%। और जो ये हमारा पूरा टैब रैप है, ये देखिए बिल्कुल साथ में चिपक रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर मार्जिन दे देता हूँ इसे। यहाँ पर पैडिंग के साथ मैंने मार्जिन दे दिए, जैसे ऊपर और नीचे से हर साइड से देता हूँ 50 पिक्सल। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम टैब 3 दिख रहा है, आप देख रहे हैं। और ये इसके बीच में गैप भी आ रहा है, ये भी सब मेरे को हटाना है। तो सबसे पहले मैंने जो ये लेबल लिया है यहाँ पर, इसके अंदर मार्जिन दे देता हूँ। देखिए सारे टैब जो हैं वो आपस में चिपक रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर मार्जिन ले लेता हूँ। देखिए ऊपर से 0 लेना मेरे को, सिर्फ मैं राइट से देना चाहता हूँ 10 पिक्सल। ये देखिए नीचे से भी 0 और लेफ्ट से भी 0। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारे अलग अलग हो चुके हैं। अब सबसे पहले जो मेरा ये फर्स्ट टैब है, मैंने आपको बताया कि इस पे ऑलरेडी चेक्ड है, जैसे कि अभी मैंने HTML में से चेक किया हुआ है। ये देखिए बाकी सारे अनचेक्ड है, यहाँ देखिए किसी के अंदर भी चेक नहीं लिखा हुआ। तो मैं चाहता हूँ जो ये चेक्ड वाला है ये दिखाई ये चेक्ड है, मतलब कि ये वाइट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ मैं इसकी CSS बना लेता हूँ। पहले मैं ये सिलेक्टर कॉपी कर लेता हूँ टैब रैप, और इसके अंदर मैं यहाँ एक एडवांस सिलेक्टर बनाऊंगा। पहले मैं स्क्वायर ब्रेसेस ले लेता हूँ और टारगेट कर रहा हूँ IDs को। और कौन से IDs, जिसकी जो स्टार्टिंग है वो टैब से शुरू हो रही है। ये देखिए अगर आपको इस तरीके के एडवांस सिलेक्टर्स के बारे में नहीं पता, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, मैं ऊपर आई बटन में उसका एक लिंक दे दूंगा। और इसके बाद यहाँ मेरे को लिखना है चेक्ड, इसका मतलब है जिसकी स्टार्टिंग, जिस आईडी की स्टार्टिंग टैब से हो रही है, अगर वो चेक्ड है तो उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगा प्लस। प्लस का मतलब है जो उसके इमिजिएटली बाद लेबल आ रहा है उसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाए। ये देखिए मैंने वाइट कर दिया, मैंने फाइल को सेव किया, ये कलर वाइट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत है। यहाँ पर देखिए 2 बार हैश लगा हुआ है, मैं इसको हटा लेता हूँ, फाइल को दोबारा सेव करता हूँ। ये देखिए अब देख रहे हैं, अब ये कलर भी चेंज हो रहा है। ये कैसे चेंज हो रहा है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर जो मैंने अभी रेडियो बटन लिए थे, ये देखिए इन पे मैंने टॉप और लेफ्ट लगाया था, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको रेडियो बटन दिख रहे होंगे, देखिए जब मैं इस लेबल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली उस रेडियो बटन पे चेक्ड हो रहा है, आप देख रहे हैं। और मैं इसी चेक को चेक करके इसकी CSS को चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने अगर इसको हटा भी दूँ तब भी चलता रहेगा, ये देखिए अभी भी चल रहा है। यहाँ पर एक्चुअली मैंने किया क्या है, मैंने किया है कि टैब रैप के अंदर कोई भी आईडी आ रहा है जिसकी स्टार्टिंग जो टैब से हो रही है, अगर वो चेक्ड होता है, ये टैब नाम का आईडी मैंने किस पे लगाया मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर इनपुट टाइप रेडियो पर मैंने आईडी लगाया हुआ टैब, अब इसकी स्टार्टिंग जो है टैब से हो रही है, मगर इसके बाद जो भी ये वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती जा रही हैं। वन में केस में यहाँ पे आ रहा है -1, -2, -3, आप देख भी सकते हैं ऊपर। ये देखिए -2 आ गया, फिर -3 आ गया। तो बस मैं इसकी स्टार्टिंग चेक कर रहा हूँ कि अगर वो टैब से हो रही है और वो चेक्ड होता है तो उसके इमीडिएट बाद जो लेबल है वो वाइट हो जाए। ये देखिए तो अभी मैं दोबारा से रेडियो बटन को हाइड कर देता हूँ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए अब मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूँ जैसे मैं टैब 2 पे क्लिक करूँ तो उसी का कंटेंट यहाँ पे नज़र आए, टैब 3 पे टैब का और टैब 1 पे टैब 1 का। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने टैब कंटेंट पे और इसको हाइड कर देता हूँ, मतलब कि डिस्प्ले नन। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया, अब देखिए तीनों दिखने बंद हो गए। अब मेरे को क्या करना है, मैं यही वाला जो हमने सिलेक्टर बनाया है इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर जो ये मेरा लेबल लगाया हुआ इसको मैं हटा लेता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे चेंज करना है टैब कंटेंट को, तो पहले मैं यहाँ पर क्लास लगा लेता हूँ टैब कंटेंट। अब बेसिकली सारे टैब कंटेंट को टारगेट करने लगेगा, मगर मेरे को चेक क्या करना है कि जिस आईडी पे मैंने क्लिक किया है उसके बाद जो इमीडिएट टैब कंटेंट आ रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा टिडल का साइन। ये एक एडवांस सेलेक्टर है टिडल, इसका मतलब होता है जिस पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया है उसके बाद, मतलब कि जो उसका कोई भी सिबलिंग है टैब कंटेंट नाम का, उस टैब कंटेंट को मेरे को डिस्प्ले ब्लॉक करना है, मतलब कि उसको शो करना है। तो यहाँ मैंने डिस्प्ले ब्लॉक लिख दिया, मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए फर्स्ट टाइम जब पेज ओपन होता है तो हमारा टैब 1 चेक्ड है, तो देखिए यहाँ पर उसका कंटेंट दिख रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए टैब 2 आ गया, टैब 3 आ गया।
अब मैं यहां क्या करना चाहता हूं, देखिए यहां पर एक गैप आ रहा है, आप देख रहे हैं टैब के बाद। इस टैब गैप को फिल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इस वाला जो हमारे पास ऊपर टैब दिख रहे हैं आपको लेबल्स, उसमें मैं हाइट या पैडिंग दे दूं ताकि वो यहां तक आ जाए, या फिर जो हमारे ये टैब कंटेंट है इसकी पोजिशनिंग को ऊपर कर दूं। तो अभी के लिए मैं यहां पर ऊपर से नीचे कर रहा हूं, मतलब कि लेबल के अंदर पैडिंग दे रहा हूं। तो यहां देखिए ये मेरा लेबल है, लेबल के अंदर मैंने पैडिंग लगा रखी है। मैं इस वाली पैडिंग को थोड़ा कम कर लेता हूं, मैं जस्ट इसे 20 कर लेता हूं और ऊपर से भी 20 भी कर लेता हूं। ये देखिए आप देख रहे हैं, मैं इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूं, चाहे जितना मर्जी बढ़ाऊं, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जैसे मैं यहां गया टैब 3 में जाता हूं मैं, और यहां देखिए जो लेबल है उसके अंदर मैं लिख देता हूं लॉन्ग टेक्स्ट। ये देखिए यहां पर लॉन्ग टेक्स्ट भी आ गया। तो आप जितना मर्जी लंबा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे एक बात पे और भी गौर कीजिए, यहाँ देखिए जो हमारा टैब रैप है वो यहाँ तक आ रहा है और इसके अंदर जो टैब कंटेंट है वो इससे बाहर निकल रहा है, आप देख रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने पैडिंग लगाई है इसलिए बाहर चला गया, तो इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी टैग्स आ रहे हैं मैं उन सब पे अप्लाई कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बॉडी सेलेक्टर से पहले यहाँ पर मैं स्टार नाम का सिलेक्टर ले लेता हूँ। स्टार का मतलब होता है जितने भी टैग्स हैं पूरे पेज में उन सब पे ये प्रॉपर्टी जो मैं आगे लगाने वाला हूँ वो इम्प्लीमेंट हो जाए। यहाँ देखिए मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा दी, ये देखिए, ये देखिए अब ये बिल्कुल इसके अंदर आ चुका है। अब जो ये मैंने ब्लैक बॉर्डर लगाया था इसको मैं हटा देता हूँ, ये देखिए ऊपर से बॉर्डर हट चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जो इसके ऊपर वाले बॉर्डर्स हैं मतलब कि जो कॉर्नर्स आ रहे हैं इनको मैं थोड़ा सा राउंडनेस देना चाहता हूँ। तो उसकी राउंडनेस को लिए मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगा लेता हूँ, ये देखिए। उसके लिए मैं यहाँ पर लेबल पे ही यू लगाऊंगा अपनी बॉर्डर रेडियस। तो सबसे ऊपर के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस, फिर उसके बाद राइट टॉप बॉर्डर के लिए भी 3 पिक्सल का और नीचे के लिए 0। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, अब यहाँ देखिए थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस आ चुका है, आप देख रहे हैं। अगर आप यही वाला कोड जो अभी हमने इस टैब को बनाने के लिए किया है अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी yahoobaba.net, और यहाँ पे आपको जाना है कोड लैब पे। यहाँ पे आपको लिंक दिखेगा प्योर सीसेस टैब, आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक बन जाएगा टैब्स नाम का, यहाँ पे जाके भी आपको टैब्स का ये सारा कोड मिल सकता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर वही टैब है जो भी मैंने आपको बनाना सिखाया, यहाँ पर इसकी एस्टिमल पड़ी है सारी, आप इसका फुल व्यू करके इसे सारा कॉपी भी कर सकते हैं, ये देखिए। और इसी तरह इसकी CSS भी यहाँ पे पड़ी है, ये देखिए। तो ये था हमारा टैब जिसको हमने प्योर CSS में बनाना सीखा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल Yahoo Baba को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।